टीम इंडिया का कोच कौन होगा? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण वाली क्रिकेट सलाहकार समिति ने इस पर सस्पेंस बना दिया है। सोमवार को सीएसी ने कोच के लिए इंटरव्यू तो किए लेकिन नाम का ऐलान नहीं किया। गांगुली ने कहा कि कोच का फैसला कैप्टन विराट की राय लेकर होगा। माना जा रहा है कि गांगुली ने कोच का नाम टालकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। उन्होंने इससे विराट के साथ शास्त्री को भी बोल्ड किया। अब ये तय है, कैप्टन विराट कोहली की पसंद रवि शास्त्री के लिए रहा आसान नहीं है। माना जा रहा है कि सीएसी कोच के तौर पर वीरू के नाम पर फैसला ले चुकी है। वीरू का नाम विराट को भी बढ़ा दिया गया है। वो कोच के तौर पर वीरू को चाहते हैं या नहीं, ये आखिरी फैसला विराट को करना है। गांगुली ने आखिर पसंद का कोच ना देने के बाद भी अंतिम फैसला विराट पर क्यों छोड़ा? दरअसल ऐसा कर गांगुली ने विराट पर गुगली फेंकी है। गांगुली चाहते हैं कि विराट अगर वीरू की जगह शास्त्री को कोच के तौर पर चाहते हैं तो वो इसके लिए खुलकर सामने आए, वो सहवाग का खुलकर विरोध करें और कोच के तौर पर शास्त्री की मांग सबके सामने करें।